Dear student of class 12, good morning, assalamu alaikum. Stay home, stay safe, keep moving toward the destination. Today is 7th August 2020 and the day is Friday. Let's move to our diary. First subject we have English, page number 30 plus 32, homework on book. Page number 30. First portion. Look at the pictures and fill in the missing letters. आपको pictures दी गई हैं, missing letters दी गई हैं. आपने picture को देखते हुए letters को fill करना है. First picture we have car. C blank दी गई है, missing letter है. R क्या आएगा? A C A R car. Car में car. A letter से आपने इसको complete किया. Next picture bag. Bag में basta. B A G bag. Bag में basta. यहाँ पे भी आपने A letter से fill किया इसको. Next cat. C A P cap. Cap mean topi. Cap mean topi. Next picture we have fan. F A N fan. Fan mean pankha. Next mat. M A T mat. A letter से complete किया आपने. M A T mat. Mat mean चटाई. Next picture jam. J A M jam. Jam mean jam. First portion आपका complete हो गया इस page का. Next portion है put the words given in the box in the correct column. आपको हर कॉलम में वर्ड दिया गया है, आपने हेल्पिंग बॉक्स की मदद से इनको फिल करना है. फर्स्ट कॉलम में ए एन एन हेल्पिंग बॉक्स एन के साथ यूज हो रहा है. सी एन कैन आपका आ जाएगा यहाँ पे. C A N can. Next है आपका M A N man. A N यूज हो रहा है इसके साथ. M A N man. Next question letter आपके पास A P. आपने आप A P के साथ जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो लिखने हैं यहाँ पे. सबसे पहले हमारे पास C A P cat. आप इस कॉलम के अंदर लिखेंगे C A P cat. नेक्स्ट फिर आ जाए हेल्पिंग बॉक्स की तरफ. कैप हो गया हमारा. लास्ट है T A P tap. T A P tap. नेक्स्ट कॉलम है A D. A D के साथ कौन से वर्ड यूज होंगे? सबसे पहले हमारे पास एल ए डी लैड आपका आ जाएगा इसके अंदर. एल ए डी लैड. नेक्स्ट आपने इस तरह इस हेल्पिंग बॉक्स में देखना है एम ए डी मैड. मैड आपका यहाँ पे आ जाएगा. एम ए डी मैड. लास्ट क्वेश्चन है ए टी के साथ कौन से वर्ड यूज होंगे? हेल्प बॉक्स के अंदर आपने देखना है आर ए टी रैट. इस कॉलम में आप लिख देंगे आर ए टी रैट. लास्ट आ गया हमारे पास बी ए टी बैट. कॉलम के अंदर आप लिखेंगे बी ए टी बैट. इस तरह आपने पेज नंबर
30 को कंप्लीट कर लेना है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव उर्दू पेज नंबर 1 होमवर्क। उर्दू पेज नंबर 1 में आपको जो काम दिया गया है वो है वाहिद जमा, वाहिद यानी एक चीज, जमा ज्यादा चीजें। सबसे पहले हमारे पास नून यानी ना, लाखेला नाला। जमा में जब हम लिखेंगे एक नाला का ज्यादा होगा तो क्या बनेगा, नाले। छोटा नून बनाएंगे सीधा ऊपर ले जाएगा नून अलिफ ना, लाम बनाएंगे लाम के आप ऊपर से ला लेके आएंगे गोल करते हुए आगे लाएंगे ला बढ़ेंगे ले नाले। नून अलिफ ना, ना बढ़ेंगे ले नाले, नाला नाले। अगला लास है तेल ता रे गुजरा तारा यानी एक तारा बाहर बताया गया। अब जमा लिखेंगे जब ज्यादा तारा होंगे तो क्या कहेंगे, तारे। तेल ता सीधा ले तेल दो रुपये डालेंगे तेल ता रे सीधा आ जाएगा आपका सीधा ना थोड़ा सा आगे लाएंगे रे बढ़िए रे तारे तारा तारे। अगला भाषा है लाम लो तेलता लोटा, वाहिद बताया गया है एक लोटा। अब ज्यादा होगा तो क्या होगा, लोटे। लाम हो लाम लाएंगे सीधा आगे की तरफ लाम हो लो टे बढ़िए टे लोटे। आगे हमारे पास दाल बेहबा डिब्बा, एक डिब्बा ज्यादा होंगे तो क्या होगा, डिब्बे। दाल बे बढ़िए बे डिब्बे डिब्बा डिब्बे। आगे हमारे पास दाल है दर मौलिमा जेहे जा दरवाजा, एक दरवाजा है जमा में लिखेंगे तो क्या होगा, दरवाजे। आप दार बनाएंगे गोल करके दारे दर वाव अली वा जे सीधा ला के आगे जे के ऊपर रुकता जे बढ़िए जे दरवाजे दारे दर वाव अली वा जे बढ़िए जे दरवाजे दरवाजा दरवाजे। बे बेफरा बड़ा, जमा लिखेंगे तो बड़े छोटा बे बनेगा रे बनाएंगे आधा वहां ऊपर आधा नीचे तिरछे लाए तो यहाँ से ऊपर भी बनाएगा बे बे बढ़िए रे बड़े। आखिरी लास्ट है बे क्या बक रे फरा बकरा, एक प्रकार जमा करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा बकरे। बे छोटा बनाएंगे बे बे के नीचे होता क्या सूत्र जुड़ेगा, छोटा क्या कष्ट वाले आपने बे क्या बक रे सीधा वहां आधा ऊपर आधा नीचे तिरछी लाए फिर बढ़िया आ जाएगा बे क्या बक रे बढ़िया रे बकरे। नून अलिफ ना लाखेला नाला, नून अलिफ ना ला बढ़िए नाले नाला नाले। तेल तारे फ्रा तारा, तेल तारे बढ़िए तारे तारा तारे। लाम लो तेल ता लोटा, लाम लो टे बढ़िए लोटे लोटा लोटे। डार बेहबा डिब्बा, डार बेबड़े डिब्बे डिब्बा डिब्बे।
दरवाजे बेड एसरा बड़ा बेड बड़ी रे बड़े बे क्या बकरे एसरा बकरा बे क्या बकरे बड़े रे बकरे। आप एक काम करो बिल्कुल बारीक पेंसिल से और इसी राइटिंग पैटर्न के मुताबिक साफ साफ लिखना है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव मैथ्स पेज नंबर 56 प्लस 57 होमवर्क ऑन बुक पेज नंबर 56 पे आपको दिए गए हैं पैटर्न्स। अ पैटर्न इज अ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ शेप्स और ऑब्जेक्ट्स। आपको यहाँ शेप्स के पैटर्न दिए गए हैं। फर्स्ट है आपके पास स्क्वायर स्क्वायर ट्रायंगल ट्रायंगल टू टाइम्स स्क्वायर है टू टाइम्स ट्रायंगल है। आपने इसी तरह आगे इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है टू स्क्वायर टू ट्रायंगल देन टू स्क्वायर। दिस इज अ पैटर्न ऑफ टू स्क्वायर्स एंड टू ट्रायंगल्स अरेंज्ड इन अ सिमेट्रिकल मैनर। नेक्स्ट आपको दिए गया पैटर्न सर्कल एंड स्क्वायर टू टाइम्स स्क्वायर टू टाइम्स सर्कल दिया गया आपको टू टाइम्स स्क्वायर दिया गया। आगे आप क्या करेंगे इसको कंप्लीट करना है टू टाइम्स सर्कल टू टाइम्स स्क्वायर अगेन टू टाइम्स सर्कल टू टाइम्स स्क्वायर। दिस इज द पैटर्न ऑफ टू सर्कल्स एंड टू स्क्वायर्स अरेंज इन अ सिमेट्रिकल मैनर। नेक्स्ट पोर्शन कंप्लीट द गिवन पैटर्न्स। आपको पैटर्न्स दिए गए हैं मिसिंग है आपने इसी के अकॉर्डिंग आपने इनको फिल करना है। फर्स्ट है आपके पास पैटर्न ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल मिसिंग है। ट्रायंगल के बाद क्या था सर्कल सर्कल आ जाएगा आपका ट्रायंगल सर्कल। नेक्स्ट है आपके पास टू स्टार्स मून स्टार मिसिंग है क्या बनेगा स्टार मून फिर आपके मिसिंग ब्लैंक्स है स्टार अगेन स्टार मून। नेक्स्ट आपको फिर दिखाया गया सर्कल फिर आप क्या बनाएंगे लीव ड्रा करना है आपने फिर सर्कल है लीव फिर सर्कल लीव एंड सर्कल। नेक्स्ट आपने इसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हुए पेज नंबर 56 को कंप्लीट कर लें। पेज नंबर 57 मेक अ पैटर्न ऑफ योर ओन यूजिंग एनी टू ऑब्जेक्ट्स और शेप्स। आपने शेप और ऑब्जेक्ट की मदद से टू पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं इस पेज पे। फर्स्ट पोर्शन में आपका पैटर्न ऑफ शेप्स शेप्स का पैटर्न बता रही हूँ आपको मैं। सबसे पहले आपका पैटर्न ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल अगेन सर्कल ट्रायंगल। दिस इज द पैटर्न ऑफ टू ट्रायंगल वन सर्कल। नेक्स्ट पोर्शन पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपने अब चीज़ों का पैटर्न बनाना है। फर्स्ट पोर्शन में आपने शेप्स का पैटर्न ड्रॉ किया है नेक्स्ट में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट का पैटर्न। अब सबसे पहले अब आपको मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बलून। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं बलून बॉल वन टाइम बलून टू टाइम बॉल फिर बलून बॉल बलून। दिस इज द पैटर्न ऑफ वन बलून एंड टू बॉल। दिस इज द पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव नोट्स जनरल नॉलेज क्वेश्चन नंबर वन लर्न। जनरल नॉलेज पोर्शन क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज अवर रिलीजन। हमारा दीन क्या है
आंसर इज इस्लाम इज अवर रिलीजन, हमारा दीन इस्लाम है, यानी हमारा मजहब इस्लाम है. क्वेश्चन इज व्हाट इज अवर रिलीजन, आंसर इज इस्लाम इज अवर रिलीजन. लेट्स मूव ऑन लास्ट आइटम. लास्ट सब्जेक्ट वी हैव पिक्चर डिक्शनरी, पेज नंबर 21, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइंस रीडिंग. पेज नंबर 21, फोर्थ लाइन, फर्स्ट वर्ड है टी ए बी एल ई, टेबल. टेबल मीन मेज, टेबल मीन मेज. एन आई जी एस टी नाइट, टी ए बी एल ई टेबल, नाइट टेबल. नाइट टेबल मीन नाइट टेबल, यानी आपको टेबल दिखाया गया है, मेज दिखाया गया है, जो रात के वक्त उस पर आप चीज़ें यूज कर सकते हैं. नाइट टेबल. बी ई एन आई एस टी ई आर बैनिस्टर, बैनिस्टर मीन बैनिस्टर. तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, सीढ़ियों के पास आपको जो ग्रिल दिखाई जाती है इसको कहा जाता है बैनिस्टर. डी ई एस के डेस्क, एल ए एम पी लैम्प, डेस्क लैम्प. डेस्क लैम्प मीन डेस्क लैम्प. एस एच ओ डब्ल्यू ई आर शॉवर, शॉवर मीन शॉवर. डी ई एस के डेस्क, डेस्क मीन डेस्क. अवर टूडेज डायरी इज कंप्लीटेड हियर. पेरेंट्स शुड सुपरवाइज देयर चिल्ड्रन टू डू ऑल द वर्क विद शार्प पेंसिल, कीपिंग इन माइंड द राइटिंग पैटर्न.